गाजियाबाद में आगामी 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसी क्रम में जिले में 21 अप्रैल को स्टार प्रचारकों का जमावड़ा देखने को मिला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारी वर्ग को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को बताते हुए कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा और भाजपा उम्मीदवार ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। धामी ने कहा कि जो लोग देश को बांटने वाले हैं, उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि मोदी जी ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। जो लोग देश को बांटने वाले लोग हैं, आज कुछ लोग उनके स्लीपर सेल बने हुए हैं, वो विरोध का उन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है। इसलिए देश की जनता जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम, पूरे देश को एक साथ आगे बढ़ाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए पूरा गठबंधन मोदी जी के